हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की इस क्लास में। आप देख रहे हैं जय टेक्निकल क्लासेस और मैं जेपी शर्मा आज आपके लिए सर्कल रिलेटेड एरिया एंड स्टम्प्स की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाएं आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आप सबका प्यार आशीर्वाद और मोटिवेशन मिलता रहे एवं आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स लेसन 18 सर्कल एंड इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सब यह लेसन पहले भी थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके होंगे, जहां पर आपको जानकारी मिली होगी एक सर्कल क्या होता है, उस सर्कल का एरिया क्या होता है, उसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है, उसमें रेडियस क्या है, उस सर्कल की डायमीटर क्या है, उसमें चार्ज क्या है, उसमें जीवा इत्यादि क्या है। सारी जानकारी आपने पहले पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके होंगे। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को पुनः रिवाइज करते हुए अपने इस लेसन के मेन पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या आज स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले फार्मूला ऑफ सर्कल। इसके दो फार्मूले होते हैं, सर्कल के दो फार्मूले होते हैं, जैसे कि सर्कल की एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक सर्कल की सर्कमफेरेंस, उसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड आपके लिए एक नया टॉपिक्स है। जब इस टॉपिक्स को आप स्टडी करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार है, इसके प्रश्न भी और भी मज़ेदार हैं। तो त्रिज्याखंड वृत्त के दो होते हैं, एक होता है लघु त्रिज्याखंड, दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। यह दो त्रिज्याखंड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और ये दोनों जो त्रिज्याखंड होते हैं वो चाप की सहायता से बनते हैं। तो चाप क्या है और चाप की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी इस लेसन में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ दूसरी चीज जो हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं वह है वृत्त के वृत्तखंड। अभी हमने ऊपर देखा कि वृत्त के त्रिज्याखंड का स्टडी किए करेंगे और अब इसमें वृत्त के वृत्तखंड की भी स्टडी करेंगे। वृत्तखंड भी आपका दो होते हैं, एक छोटा वृत्तखंड और एक बड़ा वृत्तखंड। छोटे वृत्तखंड को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, और बड़े वृत्तखंड को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। जैसा कि अभी आप फिगर में देख सकते हैं, अभी आपको हम समझाएंगे नहीं, जब एक एक टॉपिक समझेंगे वहां पे आपको समझाएंगे। फिर भी त्रिज्याखंड जो आपको ग्रीन कलर का स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि नाम से पता चल रहा है, त्रिज्या का खंड, और ऐसे ही आपका जो वृत्त का खंड है वह वृत्त का एक खंड, जो कि किसकी सहायता से बनता है स्टूडेंट्स, आपकी जीवा की सहायता से बनता है। चलिए अभी सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, परिधि क्या होती है एक सर्कल की। परिधि की परिभाषा पर नजर डालेंगे। परिभाषा आपको भली भांति आनी चाहिए। वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई, मतलब अगर आपके पास कोई वृत्ताकार चित्र है तो चारों ओर की वक्र वाली जो लंबाई होती है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, परिधि। मान लीजिए आपके पास एक कोई वृत्ताकार आकृति है, ओके, इसकी कोई आपने एक बिंदु ले लीजिए, यह वाला बिंदु हमने ले लिया। इस बिंदु से चल के घूम कर वापिस इसी बिंदु पर आ जाते हैं तो यह इसकी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, यह इसकी परिधि कहलाती है। जो टोटल दूरी आपने मापी है यह इसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। एक फिगर की सहायता से इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपको फिगर लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, इसमें रेड कलर का एरो आपको शो कर रहा है कि एक सर्कल की परिधि कौन सी चीज है। एक वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, जहां पर r क्या है, उसकी त्रिज्या, और पाई क्या है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, जिसे आप कितना बोलते हैं, 3.14। कैसे मालूम चला कि पाई का मान है 3.14, जरा इस फिगर पर नजर तो डालिए। बीच वाले फिगर में देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक वृत्त दिखाया हुआ है, बीच में उसका व्यास दिखाया हुआ है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। आपकी पाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वह होती है जो आपकी वृत्त की परिधि होती है, उस वृत्त की परिधि बटे उस वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि क्या हुई, 2πr बटे वृत्त का व्यास कितना हुआ, 2r। तो 2πr बटे 2r, 2r से 2r कैंसिल, तो वहां पे क्या बचती है, पाई की वैल्यू। स्टूडेंट, जब आप इस फिगर पे क्लियरली आप एक बार देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर हम उस सर्कल के व्यास को ले लेता हूं तो उसकी परिधि के चारों ओर कितनी बार घूमता है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और थोड़ा सा डिस्टेंस बच जाता है। वह जो थोड़ा सा डिस्टेंस बच जा रहा है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 0.1415, ओके, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.1414 समथिंग,
ओके तो यहाँ पे आपकी किस चीज़ की वैल्यू पता चलती है, पाई की वैल्यू पता चलती है। बात समझ आई आपको स्टूडेंट्स, यह पाई की वैल्यू हो गई। अब हम स्टडी करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का पाई गुना होता है। यहाँ से आपको पढ़कर भी इसका फार्मूला याद आ गया होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ए बराबर पाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे? वृत्त का क्षेत्रफल। बट ये हमें कैसे पता चला कि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है? जरा फिगर पे नजर डालिए आप लोग। अभी जो आपके स्क्रीन पे एक फिगर शो हो रहा है, ये आपका रेक्टेंगल आयत का फिगर शो हो रहा है। अगर आपके पास कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई सर्कल है आपके पास, पेपर में हमने एक सर्कल को ड्रॉ करा और उसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर ली है, जैसा कि फिगर में आप शो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फिगर में बहुत सारी लाइनें एक सर्कल में खींची हुई है। जब ये लाइनें आप खींच लेंगे स्टूडेंट और उन्हीं लाइनों को काट लेंगे आधे हिस्से ऊपर आधे हिस्से नीचे, जैसा कि फिगर में आपको शो हो रहा है, जैसा कि फिगर में लगाए गए हैं वैसे ही आप उन्हें अरेंज कर लेंगे तो आपका किस चीज़ का रूप ले लेगा? एक आयत का रूप ले लेगा। और आप हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब आपने सर्कल के पार्ट्स करके इक्वल पार्ट करके सेंटर से काटा है तो आपका आधा हिस्सा ऊपर का ऊपर लग गया और आधे हिस्से नीचे का नीचे लग गया है, तो यह टोटल डिस्टेंस आपका कितना होता है? 2πr। आधा ऊपर रह गया आधा नीचे रह गया, मतलब पाई आर ऊपर चला गया और पाई आर नीचे रह गया। अगर आप इसकी यहाँ वाली लंबाई देखेंगे तो उन्होंने कितनी लिखी हुई है? पाई आर लिखी हुई है। और जो यह वाली लंबाई है वह कितनी हो जाएगी? आर। आर क्यों होगी स्टूडेंट? क्योंकि आर डिस्टेंस पे ही आपने उन सर्कल को काटा था। ओके, केंद्र से लेकर आप उसकी परिधि तक काट लिया था तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? आर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? पाई आर। और अब यह क्या बन के आ गया है आपका? एक आयत। और जरा बताइए एक आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आर गुना पाई आर क्या निकल कर आएगा? जरा सोच कर बताइए, पाई आर स्क्वायर। और यही आपके एक वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। और यहाँ से आपका सूत्र निकल कर आया। आगे हम स्टडी करेंगे वृत्त की त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। त्रिज्याखंड की परिभाषा कहती है कि वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। त्रिज्याखंड वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, जो कि पहले से हमें पता है कि क्या होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और दूसरा शब्द जो इसमें प्रयोग हुआ है वह है चाप। आपने चाप के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके होंगे, लेकिन रिविजन कराते हुए हम इसे बतलाते हैं कि किसी भी परिधि पे, वृत्त के किसी भी परिधि पे कोई भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना चाहेंगे तो वह आपका क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। जैसा कि फिगर में आपको रेड कलर का शो भी हो रहा है, आप फिगर में ध्यान दीजिए, हमने एक बिंदु यहाँ पे लिया, दूसरा बिंदु यहाँ पे लिया, को हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो यह जो डिस्टेंस आपकी है वह है चाप कहलाएगी। जैसा कि लेफ्ट साइड में जो फिगर बना हुआ है उसमें समझाया भी गया है, रेड कलर का जो आपका परिधि पे दो बिंदुओं के डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, शो कर रहा है, वह आपका चाप है। तो त्रिज्याखंड क्या होता है आपका? एक चाप, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का शो कर रहा है। और जो दो त्रिज्याओं के बीच में आपका जो क्षेत्रफल है वह क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। जैसा कि स्क्रीन के अंदर जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका त्रिज्याखंड हो जाएगा। फिगर को आप ध्यान से देखिए, क्या त्रिज्या के बीच में यही एक हिस्सा है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह आपकी त्रिज्या हो गई। एक त्रिज्याखंड तो आपका यह हो गया, दूसरा त्रिज्याखंड तो आपका बाहरी वाला भी तो है, यह क्या हो गया? बड़ा चाप हो गया। और बड़े चाप के बीच वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है? वह भी तो आपका त्रिज्याखंड हो गया। तो त्रिज्याखंड भी आपके दो होते हैं, एक छोटा त्रिज्याखंड हो गया और एक आपका क्या हो गया? बड़ा त्रिज्याखंड। छोटे त्रिज्याखंड को कहते हैं लघु त्रिज्याखंड और बड़े त्रिज्याखंड को कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। ओके, आप दोनों पर ही ध्यान दीजिए, दोनों में ही चाप है और दोनों में ही त्रिज्या है। जो छोटा क्षेत्रफल कवर करता है उसको लघु और जो बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है उसको दीर्घ।
बोलते हैं, एक एक करके इनके फार्मूले देखेंगे और इनके समझ बनाएंगे कि इन्हें आप कैसे अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट लघु त्रिज्याखंड, इसकी पहले डिफिनेशन देखेंगे। वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्नी दो त्रिज्याओं तथा एक छोटी चाप से घिरा होता है। लघु त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्नी दो त्रिज्याओं तथा एक छोटी चाप से घिरा होता है। ओके स्टूडेंट, त्रिज्याखंड में हमने यही स्टडी किया था, दो त्रिज्याओं और एक चाप से। लेकिन लघु की खासियत यह है कि यह छोटे वाले चाप से घिरा होता है। अगर यह बड़े वाले चाप से घिरा होता तो यह क्या हो जाता आपका, दीर्घ। तो छोटा चाप कहाँ है, यहाँ, जैसा कि फिगर में आपको शो हो रहा है। ए जो बना हुआ है आपका छोटा त्रिज्याखंड बना हुआ है, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड होगा। अब जो ये हमारा एरिया है लघु त्रिज्याखंड, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है इस पूरे एरिया का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक सर्कल का ही हिस्सा है, और सर्कल का एरिया का सूत्र निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको लघु त्रिज्याखंड का सूत्र निकालना है तो इसके फार्मूले को निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है तो उस छोटे से हिस्से को हम कैसे बतलाएं। तो यहाँ पर आपको इसके थीटा पर नज़र डालनी पड़ेगी कि इनके जो दो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में कितना कोण बन रहा है। जो आपका पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र है वह तो आपका कितने के लिए, पूरे 360 डिग्री के लिए है। सर्कल का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और अगर आप एक डिग्री के लिए निकालना चाहेंगे, एक अंश के लिए निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर बटे 360। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप थीटा के लिए निकालना चाहेंगे तो थीटा को आपको उसमें गुना करनी पड़ेगी, तो फार्मूला क्या बनेगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर फार्मूला बनेगा। तो इस प्रकार लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया स्टूडेंट्स, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर इस फार्मूले में आप नज़र डालेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या है, पहले से ही वृत्त का क्षेत्रफल है, और थीटा जो यहाँ पे बनेगा आपका इन दो त्रिज्याओं के बीच में जो आपका कोण बनेगा वही आपका थीटा है। तो थीटा बटे 360 हमने क्यों लिया, क्योंकि वृत्त का पूरा क्षेत्रफल जो है वो आपका 360 डिग्री पे होता है। क्योंकि हमें थीटा का निकालना है तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, यहाँ पर आपका एक फार्मूला और आएगा, चाप की लंबाई। हमने बात की थी कि चाप की लंबाई निकालने का भी सूत्र होता है। अब स्टूडेंट, चाप किसके ऊपर बना हुआ है, परिधि के ऊपर। तो चाप की लंबाई का सूत्र भी कहाँ से बन के आएगा, परिधि से। तो थीटा बटे 360 गुना 2πr बिल्कुल उसी के जैसा है। वहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही थी तो क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल कर लिया, और चाप की लंबाई में आपकी किसकी बात हो रही है, परिधि की। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2πr का प्रयोग हमने कर लिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड पे। सबसे पहले उसकी परिभाषा, तो बिल्कुल जरा सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा यहाँ पे, जरा सोचिए, यहाँ पे बड़ा चाप आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड की बात हो रही है। किसी वृत्त में दीर्घ त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्नी दो त्रिज्याओं तथा एक बड़ी चाप से घिरा होता है। किसी वृत्त में दीर्घ त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्नी दो त्रिज्याओं तथा एक बड़ी चाप से घिरा होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी चाप क्या हो जाएगी, बड़ी वाली चाप हो जाएगी। तो बड़ी चाप यहाँ पे कौन सी है, जो स्काई कलर की आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जो स्काई कलर की आपको चाप दिखाई दे रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगी। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे थीटा कौन सा होगा। तो यहाँ पर थीटा एंगल जो होगा आपका, वह बाहरी वाली जो एंगल आपको शो हो रहा है वह होगा। तो बाहर वाली थीटा आप देखोगे, अंदर वाली थीटा को नहीं देखना है, बाहर वाली थीटा को ही आपको देखना है, क्योंकि बाहर वाली जो
आपकी दीर्घ त्रिज्या खंड है, बड़ी वाली चाप बाहर वाले हिस्सा जो है आपकी दीर्घ त्रिज्या खंड है, इसलिए बाहर वाले का आप एंगल देखोगे। ओके, तो फार्मूला यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे फार्मूला आपका बन के आएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। फार्मूला जो बन के यहाँ पे आएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसको निकालने का स्टूडेंट एक फार्मूला और होता है, कई बार आपको पेपर में क्या करते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दे देते हैं और जो आपका लघु दीर्घ खंड है उसका भी क्षेत्रफल दे देते हैं एक नंबर के सवाल में और कहते हैं कि आप क्या कीजिए दीर्घ वाले का क्षेत्रफल निकालिए। तो वहाँ आपको कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपको वहाँ पे पूरे सर्कल का एरिया दे देगा तो उसमें से आप छोटे वाले हिस्से को घटा दोगे तो डायरेक्ट ही आपका बड़े वाले दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब हम देखेंगे वृत्तखंड। हमने आपको क्या बताया था कि वृत्तखंड भी एक वृत्त का ही हिस्सा होता है, लेकिन यह किसकी सहायता से बनता है, जीवा एवं चाप की सहायता से। जैसे त्रिज्याखंड था, त्रिज्या नाम से पता चला था कि त्रिज्या से बनेगा, और वृत्तखंड आपका किसकी सहायता से बनेगा, एक जीवा की सहायता से एवं चाप की सहायता से। तो जीवा आपको पता है क्या होती है, जीवा वह आंतरिक रेखा है वृत्त की जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छूती हुई निकलती है, बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ सर्कल के अंदर रहेगी, बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच करेगी, वह आपकी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाती है। आपका जो व्यास है वह भी क्या है, सबसे लंबी जीवा है स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि वह सेंटर से होकर जाता है। आप फिगर में देख रहे होंगे मैंने आपको वृत्तखंड कितने प्रकार के बताया था, दो प्रकार के। स्टूडेंट जीवा सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड करेगी, दो हिस्सों में, एक नीचे वाला हिस्सा है एक ऊपर वाला हिस्सा है। ओके, तो जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वह छोटा है और जो छोटा वाला भाग होगा उसको हम क्या बोल देंगे, लघु वृत्तखंड। ओके, जिसे हमने पहले स्टडी किया था, और जो बड़े चाप से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान दोगे तो नीचे वाले जो हिस्सा है आपका लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला हिस्सा आपका दीर्घ वृत्तखंड। देखिए यहाँ पे दो रेडियस आपके ड्रा हुए हैं, दो त्रिज्या आपको यहाँ पे बनाए गए हैं। हम यहाँ पे दो त्रिज्या क्यों ड्रा की है, हम यहाँ पे दो त्रिज्या क्यों बनाई है, हम इसलिए यहाँ पे दो त्रिज्या बनाई है क्योंकि इसकी सहायता से हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, इसका आंसर निकालने के लिए आपको त्रिज्याखंड का सूत्र पता होना चाहिए जो कि अभी हमने स्टडी किया है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपका जो त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड का कहाँ से कहाँ तक भाग है, यह जो भाग आपका पूरा दिख रहा है आपका त्रिज्याखंड का भाग है, अगर इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूँ जो ऊपर की वाला त्रिभुज है तो आपके नीचे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बस यही तरीका होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। ओके, जो छोटे चाप से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, और जो बड़े चाप से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पिक्चर में जो आपका चाप है वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, क्योंकि बड़ा वाला चाप है। यहाँ पर जो वृत्तखंड बना है जीवा की सहायता से, तो जो ऊपर वाला वृत्तखंड बना है वह आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर हुआ, वृत्तखंड किसकी सहायता से बनते हैं, जीवा की सहायता से, और त्रिज्याखंड किसकी सहायता से बनते हैं, त्रिज्या की सहायता से। आगे चलते हैं और इनके सूत्र देखेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, लघु वृत्तखंड क्या है आपका, जो छोटा वाला वृत्तखंड है। तो हमने आपको क्या बताया कि उसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे थीटा बटे 307 गुना पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला है, त्रिज्याखंड का सूत्र होता है, और उसमें से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, इतने का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर यह जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें से इन्होंने इसको घटा दिया।
जो आपका लाइन वाला एरिया है वह आपका लघु वृत्तखंड है, तो वह वहाँ पर लघु वृत्तखंड का एरिया निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? यहाँ पे आपको छोटे वाले हिस्से का क्षेत्रफल तो पता चल ही गया है, आपको छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल गया है। अगर हम पूरे सर्कल में से छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें, घटा दें, जरा सोच के देखिए, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो ऊपर बचा हुआ हमारा क्या रह जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। तो वहीं से हमको इसका फार्मूला पता चला, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या है? पूरे वृत्त का जो है आपका वो क्षेत्रफल, और उसमें से आपने घटा दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो अलग से कोई फार्मूला नहीं है वृत्तखंड निकालने के लिए, सिर्फ त्रिज्याखंड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वही मेन फार्मूला है। ओके, उसी से आपकी यह चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। अब इसमें जो सवाल उठता है कि हम जो त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं, जो वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि त्रिभुज आपने कौन सा लिया है, आपकी आकृति में त्रिभुज कैसा बना है। जैसे कि फिगर में आपको शो हो रहा है, यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया गया है, इस आकृति पर अगर आप नज़र डालेंगे, यहाँ पर जो आकृति है उसमें कैसा त्रिभुज बना है, यहाँ पर जो त्रिभुज बना है तो आप देख ही रहे हैं किस आकृति में बना हुआ है त्रिभुज। तो यहाँ वाला जो त्रिभुज आपको आकृति में शो हो रहा है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यह आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना लंब। यह इसकी एक त्रिज्या आधार हो जाएगी और दूसरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? लंब कहलाएगी, क्योंकि ये सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसको हम कैपिटल एच से भी शो करते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो आपको आधार और लंब दोनों पता है, क्योंकि दोनों ही क्या है? आपकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के भी त्रिभुज आपके बन सकते हैं, समद्विबाहु भी बन सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और उसमें से त्रिज्याखंड को घटा देंगे तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं। इस लेसन के लिए स्टूडेंट केवल आपको इतने ही फार्मूलों की ज़रूरत है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पहले से पता था, पाई आर स्क्वायर। सिर्फ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल असली है जो इसमें जुड़ा है, वह क्या है? θ/360। सिर्फ यही, और आपको इसमें जोड़ना है वृत्त के क्षेत्रफल के साथ θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। बाकी सभी फार्मूले उसी से बनकर आ गए हैं। अब समय आया है कि जो हमने फार्मूले सीख लिए हैं उनका कुछ यूज भी करके देखा जाए कि वो प्रयोग में कैसे लाए जाएंगे। कुछ सवाल करके देखते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कह रहा है कि आपके पास कोई वृत्त है और उसकी जो परिधि या परिमाप एक ही बात है, और उसका क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका मतलब कि वह संख्यात्मक रूप से बराबर कह रहा है, तो इनके सूत्र क्या होते हैं? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। जरा सोचिए, अभी आपने स्टडी किया है बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को आप रख दीजिए बराबर। क्यों बराबर रखें? क्योंकि प्रश्न ने ही हमको बताया है कि संख्यात्मक रूप से दोनों क्या है? बराबर हैं। इसलिए हमने दोनों को क्या किया है? बराबर रख दिया है। ओके, अब जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका पाई आर स्क्वायर, तो आपका जो आर स्क्वायर को आप दो जगह लिख लेंगे, पाई गुना आर गुना आर, और जो आपका 1πr है उसे उठाकर दूसरी तरफ आप भेज देंगे।
तो यहाँ पर जो आपका आर स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हैं, आर गुना आर, तो एक आर तो आपका बच जाएगा, और बचा हुआ आपका पाई और जो ए वाला आर है यह भाग में दूसरी तरफ चला जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो आर आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बटे पाई आर, तो पाई आर से पाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो आपकी त्रिज्या कितनी आएगी, 2 आएगी, कितनी आएगी आपकी त्रिज्या, 2 आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल था, अगर आपने देखा हो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा सवाल को पढ़कर समझने की कोशिश करें कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, इस तरह के सवाल आपके एक नंबर के आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखते हैं जिसमें कि हमारे सारे फार्मूले प्रयोग में लाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें फिगर देखते हैं कि फिगर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, जो आपका फिगर है उसको हमने ओ सेंटर का नाम दे दिया है, ओ केंद्र का नाम दे दिया है। एक जीवा खींच लिए जिसका नाम क्या रखा है, ए बी। ए और बी से उसकी त्रिज्या को मिलाते हुए एक लाइनें खींच ली है, ए ओ और ओ बी। अब वह आपसे सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, वह आपसे दीर्घखंड निकलवा रहा है, वह आपसे वृत्तखंड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और वह आपसे त्रिज्याखंड निकालने को कह रहा है। अगर वह वृत्तखंड निकालने को कह रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपको त्रिज्याखंड तो निकालना ही होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, आपको त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और आपको थीटा भी दे रखा है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में कितने डिग्री का, कितने डिग्री का बताया आपको, समकोण बता दिया है आपका पहले ही, तो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो जरा आप सोच कर बताइए कि सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आप क्या यूज करेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू, आर का मान कितना है आपको पहले से ही पता है, प्रश्न में दिया है आर का मान 10 सेंटीमीटर है, आप वह वैल्यू पुट करेंगे, और स्टूडेंट 90 को जब 360 से आप कट करोगे तो यह कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 9 चौक 36, तो इस प्रकार से आपका निकल कर आएगा 1/4 × π × 10 × 10। पाई का मान रख लीजिए कितना, 3.14। हल करने पर आंसर कितना आ गया आपका, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने वह चीज़ निकाली है जो उसने हमसे सवाल में पूछी नहीं है, पर इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं था। अब मेरे को अगला क्या निकालना है, जरा सोचिए, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है नीचे वाले का जो कि लघु वृत्तखंड है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकालेंगे। तो जरा देखिए कैसे निकलेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और अभी हमने स्टडी किया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 × आधार × लंब। तो यहाँ पर उसका आधार और उसका लंब क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगी, और जो दोनों ही त्रिज्याएं होंगी, जो दोनों त्रिज्या है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी है, तो 1/2 × 10 × 10। और जब आप इसको हल करोगे स्टूडेंट तो 10 आपका 2 से कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, इस 2 से इस 10 को आप काट सकते हैं, तो 2 × 5 = 10, अब 5 × 10 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका क्षेत्रफल किस में चलती है, वर्ग इकाई में चलती है। अब आप देखिए, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी पता चल गया है, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल गया है, तो क्या आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पहले से ही दिया हुआ है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 50 सेंटीमीटर को आप माइनस करोगे
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो नीचे वाला ग्रीन कलर का लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकल के कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह तो बात हुई आपकी लघु की, अब आपको निकालना क्या था संगत वाला जो आपके साथ में दीर्घ त्रिज्या खंड है, तो हम उसका भी निकाल के दिखाएंगे क्योंकि आपको सेकंड पार्ट में उसने क्या मांगा है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस बड़े वाले त्रिज्या खंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट जरा आपको पहले भी बताया गया है कि बड़े वाले दीर्घ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे वृत्त में से इस छोटे वाले मतलब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। या फिर आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हम दूसरी चीज़ इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम यह थीटा पता लगा ले कि यह थीटा कितना है ऊपर वाला। आपको यही बताया गया था स्टूडेंट कि अगर अंदर का 90 डिग्री है तो बाहर का कितना होगा, 270 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूरे वृत्त का जो आपका एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 - 90 = 270 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से जो दीर्घ त्रिज्या खंड का जो एंगल है क्या हो जाएगा आपका, 270 डिग्री। ओके, तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, थीटा बटे 307 गुना पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर थीटा आपका 90 ना होकर कितना होगा जरा सोचिए, 270 डिग्री। वेरी गुड। ओके, तो हमने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, लेकिन अभी आप स्क्रीन पे जैसा सॉल्व करके दिखाया गया है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे वृत्त में से हमने जो छोटा वाला आपका त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल घटा के तब आपको बताया है, वह अभी आपकी एक ही बात आएगी, 3/4 आया है आपका। लेकिन स्टूडेंट 270/307 करेंगे आप तो इसको आप काट कर देखेंगे तो 9 * 27 और 9 * 4 = 36, तो 3/4 यहाँ पे भी आपका वही वैल्यू आ रही है। इस प्रकार से 3/4 पाई आर स्क्वायर आएगा और आर की वैल्यू कितना है आपको, आपको पता है 3.14, सॉरी पाई की वैल्यू आपकी 3.14 है और आर की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका 3/4 × 3.14 × 10 × 10, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, अच्छे से समझ में आया आपको ये सवाल। आपने देखा कि लगभग सारे फार्मूले इस सवाल में आपके प्रयोग में आ गए हैं, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपने सूत्रों को अच्छे से समझा है तो यह सवाल समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएंगी। इस लेसन में स्टूडेंट आपके इसी तरीके के सवाल हैं, सभी सवाल इसी प्रकार से हैं। एक बार जब आप प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो सभी प्रश्न आप खुद से कर पाएंगे। ओके, अब आपका टाइम हो गया थोड़ा सा रिवाइज करने का कि आज हमने स्टडी क्या किया है। इन्हीं फार्मूलों के यूज से आप पूरे एक्सरसाइज को पूरे चैप्टर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा एक नज़र डालते हैं, वृत्त से संबंधित सभी फार्मूले हमने स्टडी किया है स्टूडेंट्स। तो वृत्त का सूत्र हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो एक वृत्त की परिधि क्या होती है स्टूडेंट, एक वृत्त की परिधि 2πr होती है। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या स्टडी किया है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, यहाँ पर पाई का मान 22/7 या उसे आप क्या भी कह सकते हैं, 3.14, और आर क्या होती है, उस वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, वृत्त के त्रिज्या खंड के सूत्र, और त्रिज्या खंड भी क्या थी आपकी, 2 थी। साथ में हमने चाप की लंबाई भी स्टडी की थी, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या था, चाप किसके ऊपर बनती है, परिधि के ऊपर। तो परिधि के ऊपर बनने की वजह से चाप की लंबाई का जो सूत्र होगा, जो परिधि का फार्मूला होता है उसी से बनता है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। और साथ में स्टूडेंट चाप जितने डिग्री का बना है उसी के लिए निकालोगे तो थीटा बटे 360 गुना 2πr। तो इस प्रकार से चाप की लंबाई थीटा बटे 307 गुना 2πr। उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वह किसका होगा, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फार्मूला यूज होगा, साथ में थीटा बटे 360। और आपको बताया गया था कि दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालने का अलग से कोई फार्मूला नहीं होता है, यही जो ऊपर वाला सूत्र है लघु त्रिज्याखंड, वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो पाई है उसको 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, या फिर जो आपका बाहर वाला होता है, बाहर का जो वृत्त है और यह आपका ऊपर वाला दीर्घ है, तो पाई आप इसके बाहर वाले को मानेंगे, ऊपर वाले को मानेंगे, या फिर थीटा आपका अंदर वाला है, तो फार्मूला क्या बन जाता है आपका, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या स्टडी की है स्टूडेंट्स, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड भी हमने दो स्टडी किए हैं, उनके भी अलग से कोई फार्मूले नहीं होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि वृत्तखंड के कोई भी अलग से फार्मूले नहीं होते हैं, त्रिज्याखंड के फार्मूले से हम वृत्त के वृत्तखंड का भी फार्मूला निकाल के बतला देते हैं। तो वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कैसे निकालते हैं, जो आपको त्रिज्याखंड दिया हुआ है उसका त्रिज्याखंड में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर आप पूरे सर्कल में से, उस बड़े वाले पूरे सर्कल में से, या जो छोटा वाला लघु वृत्तखंड है इसको घटा देंगे, तो आपको आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, वह निकल कर आ जाएगा। यही सब फार्मूले आज हमने स्टडी किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब समय आ गया है कि आप भी इन प्रश्नों को अभ्यास करें घर पर, और इन प्रश्नों को जो अभी आपके सामने एक प्रश्न दिखाया गया है, जरा इन पे ध्यान दीजिए। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगा खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ओके स्टूडेंट, आपका कैसा है, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसका आकार कैसा है, वर्ग के आकार का है, और उसकी भुजा कितने मीटर की है, 15 मीटर की है, उसके एक कोने को हमने घोड़े के खूंटे से बांध दिया है, और जो उस घोड़े की रस्सी की लंबाई जो है जिससे वह घोड़ा बंधा हुआ है, उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5 मीटर आपको दी गई है। तो देखिए आपसे वो निकालने के लिए क्या कह रहा है, मतलब जहाँ घोड़ा आपका घास खा सकता है, तो इस क्षेत्रफल का मान वह आपसे ज्ञात कराना चाहता है। तो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यह कैसा फिगर है आपका, वर्गाकार, तो थीटा कितने एंगल का होगा, सोचिए जरा, यह आपको खुद ही सोचना है। वेरी गुड, अगर आपने सोच लिया है इसकी, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, उसकी रस्सी कितनी लंबी बताई गई है, वह भी आपको सवाल में दे रखा है। सिर्फ आपको फार्मूले में पुट करना है त्रिज्याखंड के, और वहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही उसका दूसरा सवाल पूछा गया है, वह कह रहा है कि अगर रस्सी को 5 मीटर की जगह हम 10 मीटर लंबी कर दें, तब घोड़ा घास कितनी खा सकता है। तो स्टूडेंट, थीटा तब भी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि जो आपका फील्ड है तब भी वर्गाकार ही रहेगा। ओके, तो आपकी सिर्फ क्या इंक्रीज हो गई है, आर, त्रिज्या की वैल्यू बढ़ गई है। तो उसे आप जब उसमें रखेंगे तो आप वहां से निकाल पाएंगे कि घोड़ा कितनी घास खा पाएगा, कर पाएंगे ना आप इस सवाल को। ओके, इस लेसन को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आप इस प्रश्नावली को अपने आप से बहुत अच्छे से हल कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।